Hello friends, welcome back. Myself is SKT Gurwal, and now in this video we will talk about next topic of CSIR NET lens formation in amphibians. या फिर अपन कहें आई लेंस फॉर्मेशन ऑफ एम्फीबियंस और फिशेस. जो भी जो आई का फॉर्मेशन होता है या आई लेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो किस मेथड से होता है या कौन से सेल्स से वो पार्टिसिपेट करती है. और ये जो टॉपिक है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट से. तो उसमें काफ़ी बार इस टॉपिक से एक स्मॉल सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं. तो इसके लिए मैं इस टॉपिक को अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रखते हुए अपने इसमें रख रहे हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप CSIR नेट के अंदर ईजिली सॉल्व कर लोगे. तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं. तो जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन या अपन कहें कॉन्फिडेंस है वो मिलता रहे और वीडियो को मॉडिफाई अपन टाइम टू टाइम उनको करते रहें. तो अभी अपन टाइम को वेस्ट किए बिना अपन स्टार्ट करते हैं आई लेंस फॉर्मेशन इन एम्फीबियंस. तो एम्फीबियंस के अंदर एम्फीबियंस में जो लेंस है या आई लेंस उसका फॉर्मेशन कैसे होता है. तो सबसे पहले अपन देखें कि लेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो एक मॉडल के ऊपर बेस है. कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस प्रकार का मॉडल है. तो ये जो एक है वो रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल इंड्यूस्ड मॉडल पर डिपेंड करता है. मतलब किस प्रकार के सिग्नल शो करता है, तो ये रेसिप्रोकल इंडक्शन मॉडल या रेस्पॉन्स. प्रकार का है. और रेसिप्रोकल अपन किसे कहते हैं, जब कोई भी जो सिग्नल है, जैसे ये कोई एक सेल है ए, ये सेल है बी, सबसे पहले ए सेल ने कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सीक्रेट किए इस प्रकार से, ये जाके किस पे अटैच हुए, बी के रिसेप्टर पर इस प्रकार से. जैसे बी को सिग्नल मिलता है तो बी क्या करता है, इसको यहां सिग्नल जैसे इसके अंदर जाते हैं तो बी जो है वो ए के लिए वापस से रेस्पॉन्स शो करते हैं. दैट मींस सबसे पहले ए ने बी को इंड्यूस किया, बी ने क्या किया, अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो रिलीज किए और वो किसको इंड्यूस करता है, ए को इंड्यूस करता है. जब ये इसको सिग्नल देती है तो इसमें क्या होता है, इंडक्शन. सेम इसी इंडक्शन को रेस्पॉन्स देते हुए ये इसको क्या देता है, रेस्पॉन्स. जैसे इसने रेस्पॉन्स दिया किसको, ए को, तो ए सेल्स जो है वो भी क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है. इसका मतलब अपन कह सकते हैं ए सेल ने बी को इंड्यूस किया और बी सेल ने उसी के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देते हुए ए सेल को क्या करता है, इंड्यूस करता है. तो दोनों जो एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल इंडक्शन कहते हैं. तो इसमें दो प्रकार की जो सेल्स इन्वॉल्व होती है वो दोनों प्रकार की सेल्स क्या करती है, एक दूसरे को इंडक्शन देती है, इंड्यूस करती है, एक दूसरे को मॉडिफाई करती है, प्रमोट करती है कि वो किस प्रकार से लेंस का फॉर्मेशन कर सकें. तो आगे अपन इसमें देखें, जैसे सबसे पहले आई लेंस का जो फॉर्मेशन है वो किस स्टेज पे डिसाइड होता है, तो अपन कहें एम्ब्रियो की जो अर्ली स्टेज है उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है न्यूरला स्टेज के ऊपर आई को इंडक्शन या आई फॉर्मेशन को इंडक्शन
किया जाता है। जैसे सबसे पहले अपन ब्रेन की कंडीशन देखें कि जैसे जो न्यूरल स्टेज के ऊपर अपने जो ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जैसे डायनसेफेलॉन जो ब्रेन है जिसमें दो ऑप्टिकल लोब है, तो उस डायनसेफेलॉन की अपन कंडीशन करें इस स्टेज पर, इसमें इंडक्शन देखने को मिलता है आई लेंस फॉर्मेशन के लिए। इसके इंडक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो ब्रेन का या न्यूरल स्टेज की अपन बात करें, डायनसेफेलॉन ब्रेन की बात करें, उस टाइम पर ब्रेन का जो फोर ब्रेन का जो पार्ट है उसके अंदर ऑप्टिकल लोब देखने को मिलते हैं। ऑप्टिकल लोब्स, उन ऑप्टिकल लोब्स को अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिकल वेसिकल्स। तो यहां पर अपन कहें आई लेंस फॉर्मेशन के लिए फोर ब्रेन का जो पार्ट है वो पार्टिसिपेट करता है, जहां पर आई लेंस का फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर अपन देखें ऑप्टिकल लोब होता है या ऑप्टिकल वेसिकल होता है, जो सबसे पहले क्या देता है, सिग्नल देता है। सिग्नलिंग, ये सिग्नल किसको देता है, अपने जो आसपास का सराउंडिंग एरिया है उसको क्या देता है, सिग्नल देता है। उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया है वहां पर होता है एक्टोडर्मल सेल, एक्टोडर्मल सेल। इसका मतलब ऑप्टिकल लोब जो है या ऑप्टिकल वेसिकल्स है, इसने सिग्नल दिया किसको, एक्टोडर्मल सेल। एक्टोडर्मल सेल ने अगेंस्ट में सिग्नल दिया किसको, ऑप्टिकल वेसिकल को। ये दोनों एक दूसरे को सिग्नल देते हुए क्या फॉर्मेशन करते हैं, एक आई का फॉर्मेशन करते हैं या आई के एक दोन लेंस जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो अपने जो पार्टिसिपेट करने वाली सेल्स है वो है ऑप्टिकल वेसिकल्स। ऑप्टिकल वेसिकल्स के जो सराउंडिंग एरिया है या जो लेयर है एक्टोडर्मल सेल्स, उन एक्टोडर्मल सेल्स के ऊपर ये क्या करते हैं, सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट करते हैं। और एक्टोडर्मल सेल्स है वो किसमें क्या करती है, आगे रेस्पॉन्स देती है, इंड्यूस करती है, जिसके कारण से लेंस का फॉर्मेशन होता है। तो आगे अपन देखें जैसे सबसे पहले अपन देखें कि ये जो फोर ब्रेन है इसमें दो प्रकार के अपन देखें यहां पर ऑप्टिकल, ये जो है यहां पर ये क्या है, ऑप्टिकल वेसिकल, और ये भी ऑप्टिकल वेसिकल है, ये भी ऑप्टिकल वेसिकल है। ये जो पार्ट है वो किसका है, फोर ब्रेन का पार्ट है। इसके चारों तरफ जो लेयर है, ये जो लेयर है ये जो लेयर है ये इसकी सराउंडिंग लेयर है जिसे अपन कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। तो यहाँ पर ये एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है। एपिडर्मल लेयर या सेल्स, सबसे पहले अपन देखें कि जो ऑप्टिकल वेसिकल्स जो है वो क्या करती है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज करती है। जैसे इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज किया है
और सेम इसी प्रकार से जो एपिडर्मल सेल्स है इनके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो ये जो है वो आ जाएंगे रिसेप्टर, और ये क्या है, सिग्नल्स। ये सिग्नल्स हैं और ये रिसेप्टर है। इसका मतलब कोई भी सेल्स जो अपने कहें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज कर रही है, सेम उसी प्रकार के सामने वाली जो सेल्स है रेस्पॉन्स वही सेल देगी जिस सेल्स के पास उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए क्या हो, रिसेप्टर प्रेजेंट हो। क्योंकि तभी तो अपन कहते हैं कि एक सेल्स दूसरे सेल्स के लिए क्या है, रेस्पॉन्स दे रही है, मतलब एक दूसरे के कॉम्पेटिबल ही है, या फिर अपन कहें कॉम्पेटिबल है। और जो सेल्स उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स नहीं दे पाती है, दैट मीन्स उनके पास वो रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो रेस्पॉन्स नहीं दे पा रही है। अपन ये कहें कि ऑप्टिकल लोब जो है वो अपन एब्डोमिनल पोर्शन के ऊपर जाके प्लेस कर दें तो वहाँ पर आई लेंस का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं जैसे जो एपिडर्मल सेल्स है अगर वो उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स नहीं दे पा रही है तो वहाँ पर लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि यहाँ पर जो ऑप्टिकल वेसिकल्स है इसके पास में जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनके पास में क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ही ये यहाँ पर ये क्या देंगे, इसको रेस्पॉन्स देंगे, जिसके कारण से लेंस का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो रेस्पॉन्स के लिए ज़रूरी है कि वो सेल्स एक दूसरे कैसी हो, कॉम्पेटिबल हो। कॉम्पेटिबल दैट मीन्स कि उनके पास एक दूसरे के लिए क्या हो, सिग्नल मोलिक्यूल और रिसेप्टर प्रेजेंट हो जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया, सिग्नल्स दिया है। सिग्नल्स आके किस पे बाइंड हुआ, इन रिसेप्टर पर आकर बाइंड हुआ। इन रिसेप्टर पर जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड होते हैं तो ये जो रिसेप्टर हैं ये सेल्स में क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं। सिग्नल देने के कारण से जो एपिडर्मल सेल्स हैं डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है, डिवीजन स्टार्ट करती है, जिसके कारण से एक मल्टी लेयर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मल्टी लेयर्ड सेल्स। किस पे, एपिडर्मल सेल्स में सेल डिवीजन होने के कारण से वहां पर मल्टी लेयर्ड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और इस मल्टी लेयर्ड जो सेल्स है इन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, लेंस प्लेकोर्ड। जिसे अपन क्या कहते हैं, लेंस प्लेकोर्ड कहते हैं। तो प्लेकोर्ड क्या है, एपिडर्मल जो सेल्स थी इसी में डिवीजन होने के कारण से मल्टी लेयर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी डायग्राम को अपन आगे अपन ड्रॉ करके देखें तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी अपने को, जैसे ये इसकी एपिडर्मल सेल है और यहां पर अपन कहें इस प्रकार से, और यहां पर इन सेल्स में क्या हुआ था, यहां पर डिवीजन हुआ था, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये जो मल्टी लेयर्ड सेल्स है इन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, लेंस प्लेकोर्ड। लेकिन कुछ टाइम बाद में ये सेल्स क्या करती है, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिक्रेट करती है, किसकी तरफ, ऑप्टिकल वेसिकल्स की तरफ। तो यहां पर ये
इस प्रकार से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करती है, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज किया, पहले तो किया किसने, ऑप्टिकल लोब ने या ऑप्टिकल वेसिकल ने सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज किया, जिसके कारण से लेंस प्लेकोड का फॉर्मेशन हुआ। लेंस प्लेकोड ने क्या रिलीज किया, अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज किया, जो किसकी तरफ है, ऑप्टिकल लेंस की तरफ है। इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए ऑप्टिकल लेंस के पास क्या होने चाहिए, रिसेप्टर होने चाहिए। अब अपन कहें कि इसमें ये जो लेंस प्लेकोड है, इस लेंस प्लेकोड के फॉर्मेशन के लिए इसमें दो प्रकार के जो जीन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं, जैसे एक तो सॉक्स टू और सॉक्स थ्री जीन, एंड सॉक्स थ्री जीन्स एक्टिवेटेड। और ये जीन कब एक्टिवेटेड होते हैं, जब ऑप्टिकल लेंस ने या ऑप्टिकल लोब ने जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज किए थे, तो यहाँ पर एक्टिवेट हुई थी कौन सी सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। और ये जो एपिडर्मल सेल्स है, इन सेल्स में क्या एक्टिवेट हुए थे, जीन एक्टिवेट हुए थे सॉक्स वन और सॉक्स मतलब सॉक्स टू और सॉक्स थ्री, जिनके कारण से इसमें क्या हुआ, सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। सेल डिवीजन स्टार्ट होने के कारण से इसमें एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ, मल्टी लेयर का, जिसे अपन कहते हैं लेंस प्लेकोड। इसके अलावा अपन कह सकते हैं जो सॉक्स टू और सॉक्स थ्री जीन जो हैं, ये भी जीन जो हैं, अदर जो जीन है, जैसे अपन कहें जीन एक्टिवेटेड डी वन क्रिस्टलिन जीन, ये किसको एक्टिवेट करते हैं, डी वन क्रिस्टलिन जीन जो है, या क्रिस्टलिंग अपन कहें, क्रिस्टलिंग जीन जो है उनको एक्टिवेट करते हैं। और वो भी किसको फॉर्मेशन करने के लिए इंड्यूस करते हैं, लेंस प्लेकोड को फॉर्मेशन करने के लिए इंड्यूस करते हैं। अब अपने पास में लेंस प्लेकोड है, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, इसने रेस्पॉन्स दिया है ऑप्टिकल लोब को। ऑप्टिकल लोब में जैसे ही इनके सिग्नल प्राप्त होते हैं, तो ऑप्टिकल लोब क्या होता है, अंदर की तरफ धंसने लगता है और एक कप नुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। आगे अपन देखें, जैसे यहां अपन देखें कि ये जो स्ट्रक्चर थी, इस प्रकार से यहाँ पर धसना स्टार्ट होता है, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है, कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अपन देखें, इस प्रकार की एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ साथ ये जो लेंस प्लेकोड है, लेंस प्लेकोड की जो लेयर है, ये भी अंदर की तरफ इसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये जो कंडीशन है जिसमें दो प्रकार की सेल्स देखने को मिलती है, कि इसमें जैसे अपन देखें, इसमें जो आउटर लेयर है, मतलब जो अंदर की तरफ कप लाइक स्ट्रक्चर बनी है, जिसे अपन कहते हैं ऑप्टिकल कप, ये ऑप्टिकल कप डबल लेयर्ड होता है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ये जो आउटर लेयर है, ये कैसा होता है, पिगमेंटेड होता है, इसलिए इसे अपन कह सकते हैं पिगमेंटेड रेटिना।
अंदर जो लेयर बनी है इसको पिगमेंटेड रेटिना बोलते हैं, जबकि जो इनर लेयर है ये वाली, इसे अपन क्या कह सकते हैं, न्यूरल रेटिना, न्यूरल रेटिना। इसमें सीधा सा है कि जैसे ही जो लेंस प्ले कोड है इसने रेस्पॉन्स दिया, रेस्पॉन्स देते ही जो ऑप्टिकल लोब है, ऑप्टिकल लोब में दो प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन या डिफरेंशिएट लेयर का डिफरेंशिएट होता है, और ये जो शेप बनती है उसे अपन ऑप्टिकल कप कहते हैं। ऑप्टिकल कप में दो प्रकार की लेयर का फॉर्मेशन होता है, आउटर जो लेयर है उसे तो अपन पिगमेंटेड रेटिना कहते हैं, और इनर जो लेयर है उसे अपन न्यूट्रल या अपन न्यूरल रेटिना कहते हैं। और ये जो एपिडर्मल जो सेल्स थी इसने भी इस प्रकार की एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है। धीरे धीरे इसको मॉडिफाई अपन करें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, जैसे या इसको अपन मॉडिफाई करें, इसकी जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने पास में ये अवेलेबल है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल कप कह रहे हैं। तो ये जो ऑप्टिकल कप हैं ये ऑप्टिकल कप, इस ऑप्टिकल कप के पास में जो ये सेल है एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज होती है, और यहाँ से ये कनेक्टेड होती है इस प्रकार से, और ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, ये आपस में एक दूसरे को इस प्रकार से मैच कर लेती है। जैसे यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को तो ये यहाँ छोड़ दिया इसने, और ये लेयर जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर अपन इसी का डायग्राम यहाँ पर बनाया है, तो ये जो डायग्राम है इसको अपन ऐसे बना सकते हैं अब इस प्रकार से। तो ये क्या बन गई, एपिडर्मल सेल बन गई वापस, ये तो एपिडर्मल सेल बन गई, और ये जो था ये क्या बन गया, एक लेंस का फॉर्मेशन हो गया, ये बन गया लेंस, और लेंस किसके अंदर है, अब किसके अंदर है, ये ऑप्टिकल कप के अंदर है, ये ऑप्टिकल कप है। ऑप्टिकल कप है, ऑप्टिकल कप में मैंने आपको पहले बताया, आपको दो प्रकार की जो सेल्स है या दो प्रकार की लेयर है उसका फॉर्मेशन होता है, जो अंदर की तरफ है, या फिर अपनी इसी स्ट्रक्चर को बनाएं ऐसे बना दें, ये क्या है, आउटर है, और आउटर लेयर ऐसी दिखाई देती है मतलब पिगमेंटेड है, और इनर जो लेयर है वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन, इस प्रकार जो कौन सी है, न्यूरल रेटिना है। इसका मतलब जो ऑप्टिकल कप है, ऑप्टिकल कप की लेयर से बनने वाली जो लेयर है उसे क्या कहते हैं अपन, रेटिना कहते हैं, और रेटिना क्या होती है, पिगमेंटेड होती है। तो यहां पर आउटर लेयर जो है वो रेटिना की, वो तो क्या है, ये वाली पिगमेंटेड, और ये वाली जो इनर वाली है उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूरल रेटिना, और ये जो बना है वो क्या बना है, लेंस बना है। अब ये जो लेंस बना है, इस लेंस ने क्या किया, वापस से सिग्नल दिए किसको, सामने वाले लेयर को, और सामने वाले लेयर कौन सी है, यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स है। इस एपिडर्मल सेल्स को जैसे ही सिग्नल मिलता है तो यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, कि जो थिक लेयर जो थी, ये थिक लेयर जो थी इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है इस प्रकार से, और मॉडिफिकेशन होने के कारण से इसमें सेल में एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है इस प्रकार से। मतलब जो एपिडर्मल जो सेल्स, जो मोटी लेयर थी वो कन्वर्ट हो गई एक सिंगल ट्रांसपेरेंट
लेयर के अंदर। तो ये बन गई ट्रांसपेरेंट लेयर, जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो यहां पर ये बन गया कॉर्निया। तो इस प्रकार से इसमें आई का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस आई के फॉर्मेशन में ये एक दूसरे को क्या देते हैं, आपस में इंडक्शन देते हैं, और एक दूसरे को इंडक्शन देने के कारण से ये एक दूसरे को रेस्पॉन्स देते हैं। इसीलिए अपने इसे इस मॉडल को अपन क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इंडक्शन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये लेंस का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर रेटिना लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आउटर रेटिना जो है वो कैसी है, पिगमेंटेड है, और जो इनर रेटिना है वो कैसी है, जो अपन कहें न्यूरल रेटिना है। इसका अपन एक डायग्राम देखें, जैसे इस प्रकार से ये एक ऑप्टिकल लोब, एक ऑप्टिकल लोब की बात करें, जबकि यहाँ पर अपन डायग्राम देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है, इस प्रकार की। तो यहाँ पर ये दोनों आई का फॉर्मेशन होता है दोनों ऑप्टिकल लोब के अंदर। तो यहाँ पर एक अपन स्ट्रक्चर देखें कि जो आई की जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसमें क्या है, लेंस है, और इसके जो ऊपर की तरफ है वो क्या है, कॉर्निया है। यहाँ पर ये कॉर्निया है, ये लेंस है, और इस सेल्स को अपन देखिए यहां पर, इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने पास में देखने को मिलती है, जिसे ये जो है ये क्या है, ऑप्टिकल नर्व है, और ऑप्टिकल नर्व जो है वो कनेक्ट होती है अपनी आई लेंस रेटिना। तो रेटिना की जो दो लेयर है वो कौन सी है, पिगमेंटेड लेयर, ये जो आउटर है पिगमेंटेड लेयर, जिसमें कौन सी सेल्स पाई जाती है, इसमें पाई जाती है रॉड सेल एंड कॉर्न सेल। इसके अलावा जो इनर जो लेयर है वो कौन सी होती है, जो न्यूरल, ये जो है वो कौन सी लेयर है, न्यूरला या न्यूरल लेयर होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो तो किसकी है, रेटिना की। इसको डायग्राम अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ये कलर्ड दिखाई देती है रेटिना, लेंस, और आउटर जो है ट्रांसपेरेंट लेयर है वो क्या है, कॉर्निया है। इस प्रकार से लेंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है कंप्लीट। आप इसको डायग्राम को ड्रॉ करते हो तो आप अलग अलग स्टेज के डायग्राम मैंने जो बनाए हैं आप उनको अलग अलग से ड्रॉ कर सकते हो। अब अपन देखिए इसमें किस प्रकार के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एक तो इसमें सिग्नलिंग देखने को मिलती है BMP सिग्नलिंग,
इसके अलावा एक इसका इनहिबिटर होता है जिसे अपन अल्फा बीएमपी कहते हैं, अल्फा बीएमपी, ये इसका इनहिबिटर है। इसके अलावा इसमें अलग जो अपन कहें ग्रोथ फैक्टर्स हैं या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, वो कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर एक तो आ जाएगा बीएमपी, इसके अलावा आ जाएगा फाइब्रिनोजन ग्रोथ फैक्टर, इसके अलावा वेंट सिग्नलिंग पाथवे, वेंट सिग्नलिंग, और वेंट सिग्नलिंग के अलावा आ जाएगा सोमेटो स्टेटिन, सोमेटो स्टेटिन, ये इनके कुछ सिग्नलिंग पाथवे हैं। इसके अलावा नोसी सेप्टिन, ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या जो पाथवे है वो इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो एक्ट एज ए इनके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या फिर अपन कहें जो सिग्नलिंग पाथवे है उनको इंड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा इसमें अपन देखें जो रिसेप्टर या फिर अपन कहें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो इसमें मोर इफेक्टिव होता है उसे अपन कहते हैं पैक्स सिक्स है, वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या फिर अपन कहें एक सिग्नलिंग रिसेप्टर है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन सेल्स को मॉडिफाई करने या कॉम्पेटिबल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है तो सामने वाली जो सेल्स है एपिडर्मल सेल्स वो उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है, तो उसके अंदर पहले प्रेजेंट होता है पैक्स सिक्स जो एक्ट एज ए रिसेप्टर के रूप में वर्क करता है। तो इस प्रकार से ये सभी जो चीज़ें वो इन्वॉल्व होती है किसी भी एम्फीबियन या फिर जो फिशिस है उनके आई लेंस फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया है, फिर भी किसी प्रकार के आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि एकदम सिंपल से सिंपल मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको समझ में आए, और सीएसआईआर से रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चंस आता है वो इजीली आपसे सॉल्व कर सकते हो आप में कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और किसी भी प्रकार के टॉपिक को आपको आगे नीड होती है सीएसआईआर नेट से प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगले नेक्स्ट टॉपिक को उसी को अपन बनाएंगे। तो आज के लिए अपन यहाँ पर विदाई लेते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स।